ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਲਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਗਾਹ ਹੋ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ओके सो मेरे पति मेरे लिए केक लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा आई एम सो एक्साइटेड टू सी इट वी हैडन्ट सॉ इट येट सो गाइस हस्बैंड केक लेके आए हैं लुक एट दिस ओह आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द केक ही गॉट मी यार आपको पता है कितनी परफेक्शनिस्ट हूँ मैं और ये पति मेरे लिए बच्चियाँ वाला केक लेके आया दल वाला कि वॉलमार्ट वाला केक गाइस इट्स लाइक मी आई कैन लाइक गाइस केक का साइज देखो मेरे हैंड से छोटा है ना और मैं इसका प्राइस बताऊंगी ना आपके पैरों नीचे से जमीन में पड़ जाएगी ओके एक से केक मीमी के हाथ से भी छोटा है तो पति कह रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं 60-70 डॉलर लाते तो लाए भी होते थे जो बच्चा वर्ग का दिखता आई नो हूँ तुम कह रहे हो ओ यू आर टू मच नुक्स एंड ब्ला 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 बाय द वे दिस चॉकलेट इज एक्चुअली बट मैंने लगा केक होना डिलीशियस था क्योंकि हमने कपकेक टेस्ट किए थे इनके अच्छे थे यू आर लुकिंग लाइक किड्स बट आई लाइक द दिस चॉकलेट्स कम आई डोंट रुइन माय केक हाय गाइस सो वी आर इन द रेस्टोरेंट फॉर माय मॉम्स बर्थडे सो वी आर गोना ट्राई दिस इटालियन रेस्टोरेंट एंड सी इफ इट गोस गुड आई होप माय मम्मा लाइक्स इट बिकॉज़ इट्स अ स्पेशल डे सो आई यूजुअली हम अपनी महबूबा का बर्थडे तू तो बदमाश बन गए महबूबा ये तो जड़े गुंडे नहीं होंगे गब्बर सिंह की महबूबा महबूबा की होंगे यार तू पता नहीं कितों वर्ड्स कर दे तेरे पत्नी को महबूबा फेकर ओके दोबारा टेक टू तो हम अपनी सोलमेट के साथ आए उनका बर्थडे मनाने और या Here's some water with no ice for you. Thank you. And a 7-Up, or sorry, Sprite for you, buddy. Here you are. Thank you. Cheers. For sure. Can we order? Of course. So husband said कि वो अपनी soulmate के साथ आए हैं कि ये बैठी उनकी soulmate. Here's a card for you guys. It has all of our sauces here. Can you guys stop fighting? Hello दोस्तों कैसे हाल चाल है आपकी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे आज मैंने सोचा था कि मैं बर्थडे का ब्लॉग बनाऊंगी पर मैं बना नहीं पाई हूँ सो इसे किसी और ब्लॉग में ऐड किया जाएगा और आज मेरे बर्थडे का डिनर करने के लिए हम लोग आए हैं एक नए रेस्टोरेंट में जिसका नाम है फामोसो क्योंकि मुझे इटालियन बहुत अच्छा लगता है और हमने यहाँ पे एक दो इटालियन ट्राई किए हैं जो मैं लगा कि फ्रेंचाइजीज़ हैं और वो हमें इतना मज़ेदार नहीं लगा द ओल्ड स्पैगेटी हाउस सिगा नाम होगा हाँ वो थोड़ा ठीक था ऑलिव गार्डन ने इतना इम्प्रेस नहीं किया क्योंकि जब हमने ऑलिव गार्डन US में ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा था मुझे और ऐसे वाले ना मैनू लाइक पास्ता एंड सॉस मज़ेदार नहीं लगा उनका कई चीज़ें अच्छी हैं सो आज हम ये वाला ट्राई करने के लिए आए हैं ये साउथ बहु कहना साउथ वेस्ट है कैलगरी की है साउथ वेस्ट ओके सो हम आए हैं मुझे पूरा डायरेक्शंस का नहीं पता है पर ये मैकेंजी टाउन में आए हैं आज हम इटालियन खाने के लिए सो ये प्लेस है जो ये पॉपुलर है पिज्ज़ास के लिए इनके पास एक दो पास्ता भी हैं सो पास्ता की फैन हूँ तो मैं पास्ता खाऊंगी एंड हम पिज़्ज़ा शेयर करने वाले हैं सो हिम्मत ने क्या ऑर्डर किया है व्हाट यू ऑर्डर हिम्मत
हेमंत अपना अपना खुद से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है किड्स, सो हम लोग एक्साइटेड हैं खाने के लिए कि कैसा लगता है. एंड यस, एंड जो भी दोस्त मुझे मेरे बर्थडे की विशेज़ भेज रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, थैंक यू सो वेरी मच. और मैं बहुत हैरान हुई कई मैसेजेस देखे, क्योंकि मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया कि मेरा बर्थडे है और उनको याद है. पति को भूल जाता है दोस्तों, और आपने याद रखा, एंड इट्स अ बिग डील, थैंक यू वेरी मच. पति मुस्कुरा रहे हैं मुच्छों में, यानी महबूबा का बर्थडे बोल सोलमेट बड़ा हो गया बैठे थे. एक्चुअली हो सकता कि तुम मेरे सोलमेट हो सच्ची, बिकॉज द वे हम दोनों जिस तरीके से मिले हैं ना वो बहुत ही अनयूजुअल है. और जिन्नी छेती हम लोगों ने बंधन बन लिया. गेट ओवर इट, इट्स टू लॉन्ग नाउ. मम्मी डैडी वांट अनदर मम्मी, व्हाट टू डू, पंच हिज फेस, ब्रेक हिज नेक, पोक हिज आईज. अखां पोक करके कन्न टेढ़े करके तुम भेजना, तुम बाजार च कोई कुड़ी नहीं मिली. ओके, सो ये हमारी कन्वर्सेशन है जब तक हमारा फूड आता है. हमने ऑर्डर कर दिया है, और जो जिस बंदे ने हमारा ऑर्डर लिया बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला क्यूट बच्चा. एंड वो कह रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी जल्दी आपका ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी सर्व कर देते. तो हिम्मत का काउंट डाउन चालू है, देखते हैं कितनी जल्दी फूड आता है. एंड पति कुछ हिम्मत थोड़ी देर पहले वीडियो बना रहा था, तो हस्बैंड कह रहे कि हिम्मत को नहीं बोलना आता, मैनू सबसे ज़्यादा बोलना आता है, मैं वीडियो बनाता हूँ. तो अब वो आगे से संभाल लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं. तो क्या ही हिम्मत नहीं आता, मैं बोल रहा मैं 1 करोड़ बार तुझे हैप्पी बर्थडे कह रहा हूँ. अच्छा, मेरे लिए ना कोई विश मांगो. You all wishes come true. I wish. Okay. And that's it. That's it for today. Kar da mamma le. I wish you all bones were happy. Oh, kena main wish kar da ye bones theek ho jan. And what else? मैंने जिदा जो तू गल कर ना, एवरीबडी गोना गेट सरप्राइज, लाइक हाउ क्यूट हिम्मत इज, दे से ओ माय गॉड हिम्मत इज सच अ क्यूटी पाई. हु इज टीचिंग यू दीस थिंग्स? मम्मा. ओए डैडी, व्हाट शी मिसइंटरप्रेट द सरफेस ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस. I comprehend what she misses about so. In hindsight.
we get free dessert from Pune. We say, it's my birthday, and it must be your birthday actually. If it's not, they're going to permit you, and they're going to take you. Okay, so we got free dessert Himmat ki wajah se. Because Himmat ko bahut acha lagta hai sabko batana ki kya chal raha hai hamari zindagi mein. Okay, dosto, hamara food se done ho gaya. Mujhe pata nahi, mera na camera shayad blurry hai for some reasons. Dessert mil gaya Himmat ki wajah se. Ab hum log ja rahe hain ghar. मैंने और हिम्मत ने प्लान बनाया कि घर जाके मूवी देखते हैं एंड आज देर तक जाग सकते हैं मैं और हिम्मत, उसको परमिशन मिल गई है. ओके दोस्तों, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है एंड समय हुआ है 8:17. यूजली टोरंटो में मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को ठंड हो जाती है तो कोटी पानी पहती है, पर अज इतने इन्ना वधिया मौसम आ कि मैंने ड्रेस पहनी है एंड वधिया 24 डिग्रीज है. और अब हम घर जा रहे हैं. घर जाके एक तो हम खाएँगे फ्री वाला डिज़र्ट, दूजा जो मेरे पति ने मेरे लिए केक खरीदा है अन्य पहा कि कहना इतनी बड़ी रकम लगा के वो खाएंगे. तुम्हें याद है वो ढोल मूवी के कहना कि 120 रुपये कितने आ, वो कहना कि वो तो मैं ऑटो गया, कहना कहाँ खर्ची इतनी भारी भरकम रकम, कहना मैं ऑटो में गया था, कहना तेरी औकात भुखारियाँ वाली तो शौक नवाबों वाले. मारून 102 रुपया कम लाया है. 102 रुपये कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा. वसूली करने गया था तो 60 रुपया ऑटो का आने जाने का. ऑटो साल पटाखे का और शौक नवाबों के, बाकी के पैसे कहाँ गए, कहाँ गए बाकी के. धमकाने में जरा जोर आया, उसके लिए नाश्ता कर लिया. नाश्ता 1 केले का 2 रुपया, कटिंग चाय का 2 रुपया, होते हैं 4, बाकी के पैसों से दिवाली मना रहा था तू. सो ऐसे लग रहा है कि इतनी भारी भरकम रकम खर्च के पति केक लेके आए हैं, इतनी भारी भरकम रकम. सो यहाँ घर जाके केक कटन की रस्म करते हैं एंड जो हमारी हमेशा से रस्म चलती आई है नचन गाने की, वो भी मेरे पति आपके सामने शेयर करेंगे, पेश करेंगे उनके नए स्टेप, उन्होंने क्या क्या सीखा है. क्योंकि मैंने ना कई कमेंट्स पढ़े मेरे चैनल पर, वो कह रहे कि आप लोगों का ना जो डांस वाली वीडियोज़ होती थी बहुत मिस करते हैं. डांस मुझसे होता नहीं है, हड्डियाँ मेरिया इंगर विंगर हो गई हैं. कोशिश कर दिया कभी कभी डांस करने के लिए, पर डांस जो मैं नकली लगता ना. और हस्बैंड को भूल भी गया कि मुझे डांस करना आता है. वो कह रहे लड़कियाँ इतना अच्छा डांस कर रही, तेन आंदा ही कुछ नहीं. मैं कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं परफॉर्म करती रही हूँ, पहला उतें मैं उही चढ़ जाती रही हूँ. ऑस्ट्रेलिया में 4-5 बार परफॉर्म किया और स्टेज के उत्ते कोने कोने से, ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने से परफॉर्म कर गई मैं. प्रिंसेस बन गया. ओके दोस्तों, हम घर पहुंच चुके हैं एंड ये है मेरा प्यारा सा केक जो बहुत छोटा एंड क्यूट है. आई होप कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा एंड मेरे प्यारे फ्लावर्स. अपने पति को ना फ्लावर्स मांगती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे प्यारा एंड सस्ता है. पर आप पति ने पता नहीं है तो 150 रुपया ला दिया है, तो ये वधिया बाहर नहीं है बहुत, तो उन्होंने ना बार्गेन करना चाहिए है इन्हें, और चंगा मैंने कोई ज्वेलरी ला दें. और चल भी गाँव थोड़ा तो मौका नहीं है. सो यस दोस्तों, एक स्टैम्प ला के आया $7 की, इन्हों कहते वे नकारा पति. की कहते हैं इनू, कहते हैं कि पति जिसको खरीदारी करनी नहीं आती. मुझे तो लगता था कि मेरे पति को गोभी एंड की लेनी नहीं आती, पर पति को फुल भी लेने नहीं आते. सो क्योंकि फुल इतने महंगे हैं तो पति आप पे चीट नहीं करेगा, क्योंकि पति अपनी गर्लफ्रेंड को भी फुल लेने लेके देगा. ये लेके दोगे प्यारे? प्यारे ये देखो, ये है वो शख्स. अगर आपको ये बाजार में किसी और गर्लफ्रेंड के साथ मिले तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करें. बस मेरी मुंडी नहीं आपको देखेगी. फोटो ला दूंगी मैं, फोटो ला दूंगी मैं. वो कैंडल लाइटर कोना थोड़े को ना, मैं थे कोला पकाना. मम्मी क्रैक कटो क्लबो. ओके, इट्स टाइम फॉर माय बर्थडे. ओके गाइस, समय आ गया है लाइट ऑन करने का. That was probably on me.
back and tell my little love me. Keep breaking my heart just for fun and make me think if I deserve it. मैं ब्लो करना चाहिए दोनों ने क्लैप करनी ओके बहुत हेलो यार तो ये मुंडी वाले बंदे गाइस ये ना वीडियो पता नहीं शायद थोड़ी ब्लरी है आई एम वेरी सॉरी मैनेज कर लिए इसके साथ मैं ना कैमरे की सेटिंग बाद में करती हूँ और मेरी कैंडल्स ना पिघल रही हैं ये सिंगिंग करने तो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू मॉमी तू खा योर बर्थडे इट्स बर्थडे केक इट्स अ बर्थडे केक इट्स बर्थडे केक इट्स वेरी नाइस मैं कोई ना सो केक बहुत ज़्यादा अच्छा है बर्थडे होगा संपूर्ण ओके सो मैं आपको बता रही थी गाड़ी में कि हम लोग बर्थडे में पार्टी में डांस करते हैं पर मैं डांस नहीं कर पाऊंगी आज क्योंकि एक ही बंदा है जिसके मैं गाने सुनती हूँ और उसके गाने सुन के ना नाच नहीं सकते हैं आजकल से रो ही सकते हैं और ये हर गाने सुन रहे ना रोना आता है सो नो डांस लाइक डैडी और उसके बिना कोई और बनने के गाने मैं सुन नहीं सकती हूँ सो उदासी वाली एंडिंग होगी सो या पता नहीं की ओहदे विच ओहदा नाम ओहदी शक्ल वेख के ना मेरे ते दिल च दर्द होण लग पैंदा मैं आपको पता है ना गाइस कि आपका फ़ोन आपको सुनता रहता है तो मैं सारा दिन अपने फ़ोन को बोलती रहती हूँ कि जो भी दिखाना ना मैनू ओदा ही दिखाई मैं सिद्धू मूसेवाला बोलती हूँ तो जो भी मेरे टिकटॉक पे वीडियो आती है उसकी आती है जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे रील आती है उसी की आती है तो फिर मैं रोती हूँ उसको देख देख के हिम्मत बेचारा कहता कि सीरी मत दिखा क्योंकि जब मम्मी देखती है रोती है पर यार बंदा मैनू प्यारा ही इन्ना लगता सो या गाइस नो डांस मैं ना भूल गई ही कि मैं नच ही नहीं सकती सो या दैट्स इट मेरा बर्थडे फिनिश हो गया है होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड यस अगर आपने नहीं देखा है तो हमने मेरी वेबसाइट पे नए ब्रशेस लॉन्च किए हैं सिमॉल ब्रशेस मेरी simorlashes.com पे है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी और उन ब्रशेस में 8 डिफरेंट ब्रशेस का सेट है जो कि आपको कंप्लीट मेकअप लुक करने में हेल्प करेगा सो आपको कुछ और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ वही 6-8 ब्रशेस के साथ आप सारा मेकअप कर सकते हैं और बहुत ही प्यारी एंड गुड क्वालिटी के हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप उनको ट्राई करें और जो भी दोस्तों ने मेरे ब्रशेस को ऑलरेडी ख़रीदा है पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड मुझे प्लीज़ फीडबैक देना कि आपको वो ब्रशेस कैसे लगे हैं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए क्योंकि काफ़ी मेहनत करके मैंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है सो या गाइस दैट्स इट आई लव यू गाइस सो मच अब मैं केक इन्जॉय करती हूँ एंड वो आपको मैं दिखाती हूँ कि जो हमें वहाँ से डिज़र्ट मिला है वो कौन उन्होंने एड्डा पैक करता ना पिन्ना ला के वाओ सच अ नाइस बिग साइज केक डैडी